गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन. चिल्ड्रन नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक प्लेसेस इन द नेबरहुड. चिल्ड्रन इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन दैट मार्केट एंड पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. व्हाई? बिकॉज इन मार्केट वी बाय द लॉट्स ऑफ थिंग फ्रॉम हियर. वी कैन बाय फ्रॉम हियर फूड्स, वेजिटेबल, ग्रोसरी etc. And post office we can buy envelope, stamp, postcard at the local post office. And police station police save our life. Okay, now today I will continue our topic. Next topic is bank. What is the role of bank in our neighborhood? Bank. There is a bank in our neighborhood. ये क्या है? Bank. Bank क्या है? अपने नजदीक होना बहुत जरूरी है. We can keep our money and jewelry in the bank. हम bank में क्या करते हैं? Money. पैसे रखते हैं और jewelry कहाँ रखते हैं? Bank में रखते हैं. These are safe there. ज्वेलरी और मनी बैंक में क्या होती हैं? सेफ होती हैं. ठीक है, आप लोग भी रखते होंगे, आपके पेरेंट्स रखते होंगे बैंक में. ठीक है, आप लोग क्या है, एक आपका छोटा सा पिगी बैंक होगा, आप लोग घर पे रखते हैं. लेकिन मम्मी लोग क्या है, मनी, अगर मनी हो, ज्वेलरी हो, तो क्या करते हैं, उसको बैंक में एक लॉकर लेते हैं और लॉकर में सेफ रखते हैं. वी कैन टेक दिस आउट व्हेन वी नीड देम. हम उनको तभी निकालते हैं जब हमें क्या होती है, उनकी आवश्यकता होती है. और ज्वेलरी की आवश्यकता कब होती है? शादियों के टाइम पे हम लोगों को ज्वेलरी की आवश्यकता होती है. मनी की तो बच्चों कभी भी हमें आवश्यकता पड़ सकती है. तो हम क्या है, इनको जब हमें नीड होती है तभी हम उनको क्या करते हैं, निकालते हैं. वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट चेक इन द बैंक. ठीक है, हम लोग क्या है, चेक भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन आर नेबरहुड हैव एन अकाउंट विद द बैंक. मोस्ट ऑफ द फैमिली इन आर नेबरहुड, जो हमारे नेबरहुड में बहुत सी फैमिली होती है जिनका क्या होता है, बैंक में अकाउंट होता है. इट इज वेरी यूजफुल सर्विस इन द नेबरहुड. ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट सर्विस है हमारे नेबरहुड में. तो ये बैंक भी बच्चों हमारे क्या है, आसपास होना बहुत जरूरी है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फायर स्टेशन. बच्चों फायर स्टेशन, फायर मतलब क्या होता है, आग. ठीक है, जहां पर क्या होता है, आग को काबू पाने वाला एक स्टेशन होता है. देयर इज अ फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड. द फायर मैन आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस ड्यूरिंग एनी फायर क्लेमिटी. ठीक है, फायर स्टेशन होना भी जरूरी है हमारे आसपास. क्यों? क्योंकि जब कभी आग लगती है सडनली क्या हो जाता है बच्चों, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, आग बहुत ज्यादा लग जाती है. तो फायरमैन का काम क्या है, वो हमारी हेल्प करता है एक बहुत बड़े डिजास्टर को रोकने में. ठीक है, एक डिजास्टर को होने से वो क्या है, हमारी हेल्प करता है फायरमैन. समटाइम्स फायर कैन बी डेंजरस एंड हार्मफुल. फायर तो बेटा ऑलवेज क्या होता है, हार्मफुल और डेंजरस ही होता है. इसलिए घर में भी आप लोगों को कहते हैं कीप अवे फ्रॉम द गैस. गैस से क्या रहें, दूर रहें. आग से, मैच स्टिक से, इन सब चीजों से क्या है, दूर रहें, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं. वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग फायर. हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए जब हम लोग क्या करते हैं, आग पे काबू पाना चाहते हैं. इन केस फायर वी शुड इन्फॉर्म द फायर स्टेशन इमिडिएटली. इन केस अगर ऐसी आग लगती है, इस टाइप की आग, बहुत ज्यादा कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कहीं बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, इमिडिएटली किस पे कॉल करना चाहिए, फायर स्टेशन कॉल करना चाहिए और उन्हें क्या है, आग पे काबू करने के लिए बुलाना चाहिए. वी कैन कॉन्टेक्ट देम ऑन टेलीफोन नंबर 101. तो फायर स्टेशन का नंबर क्या है बच्चों, 101.
ठीक है, तो हमें किस पे कॉल करनी है, 101 पे आप इमीडिएटली कॉल करें और फायर स्टेशन से उन फायरमैन को बुलाएं। एज सून एज द मैसेज इज रिसीव्ड एट द फायर स्टेशन, जैसे ही वो आपका मैसेज उनको मिलेगा, द फायर ब्रिगेड रशेस टू द फायर स्पॉट, तो वो अपने फायर ब्रिगेड के साथ आपके जो जहां पर आग लगी है उस स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। द फायरमैन यूज लैडर एंड वाटर होसेस टू पुट आउट द फायर, तो बच्चों फायरमैन क्या यूज करते हैं, लैडर मतलब इनके एक सीढ़ी टाइप की लगी होती है जिससे ये क्या है ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट मींस अगर आग चौथी बिल्डिंग में, पांचवी बिल्डिंग में, छठी बिल्डिंग में आग लगती है तो वहां पर क्या होता है, एक सीढ़ी होती है और सीढ़ी से वो क्या है वहां तक पहुंचते हैं और उस आग को बुझाने में हेल्प करते हैं। देयर सर्विस इज वेरी यूजफुल फॉर अस, इनकी जो सर्विस होती है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल बच्चों सबने देखा होगा और आप सभी को पता है कि हॉस्पिटल हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है, हमारे घर के नजदीक हो, इन केस अगर सडनली हमें कुछ हो जाता है तो हॉस्पिटल अगर नजदीक होता है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और अगर हॉस्पिटल दूर होता है और इन केस हमें कुछ चोट लगती है, कुछ हैपनिंग होता है, तो उस बीच में भी बहुत कुछ हो जाता है, तो हॉस्पिटल का होना भी बहुत जरूरी है। देयर इज अ हॉस्पिटल इन एवरी नेबरहुड, हॉस्पिटल क्या है सभी नेबरहुड सभी जगह होना जरूरी है, ठीक है, हमारे नेबरहुड में होना बहुत जरूरी है। मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क देयर, हॉस्पिटल में कौन काम करता है, डॉक्टर्स एंड नर्सेस। व्हेन एवर समबडी गेट्स सिक ही शी कम्स हियर फ्रॉम फॉर ट्रीटमेंट, व्हेन एवर समबडी कोई भी अगर बीमार होता है, लड़का लड़की बूढ़ा बच्चे कोई भी एनीबडी, तो वो कहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, हॉस्पिटल आते हैं। देयर आर अ फ्यू हेल्थ सेंटर विच आर रन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कुछ ऐसे हेल्थ सेंटर होते हैं जो किसकी हेल्प से चलते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से चलते हैं। इन दीज सेंटर्स मेडिसिन आर गिवन फ्री टू द पेशेंट्स, इन दीज सेंटर जो बच्चों गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो मेडिसिन होती है वो पेशेंट्स को फ्री में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट अगर हॉस्पिटल हो तो वहां पर क्या होता है, हमें मेडिसिन के लिए पे करना पड़ता है। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर क्या होता है, पेशेंट्स को मेडिसिन फ्री में दी जाती है। सम सीरियस पेशेंट्स आर सेंट टू द हॉस्पिटल, और कुछ सीरियस पेशेंट्स को कहाँ भेजा जाता है, हॉस्पिटल्स। देयर आर ऑल्सो अ फ्यू प्राइवेट क्लिनिक्स इन द नेबरहुड, हमारे नेबरहुड में क्या होते हैं, कुछ प्राइवेट क्लिनिक भी होते हैं। प्राइवेट क्लिनिक इट मीन्स छोटे छोटे से क्लिनिक, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, डॉक्टर छोटे छोटे क्लिनिक खोलते हैं, ठीक है, अपने आसपास देखा होगा आपने, तो वहां पर क्या होता है छोटे मोटे, जैसे आपको फीवर आ गया या कुछ चोट लगी तो वो ऐसे छोटे मोटे चीजें प्राइवेट क्लिनिक में देखते हैं। द डॉक्टर नॉर्मली वर्क्स एज अ फैमिली डॉक्टर, और डॉक्टर क्या है नॉर्मली कैसे है, कई बार क्या है फैमिली डॉक्टर के रूप में भी काम करते हैं। इट मीन्स कभी रात को अगर नाइट एट नाइट अगर इमरजेंसी हो तो डॉक्टर क्या है उस टाइम पे भी हमारी हेल्प के लिए आते हैं। He can also come to our house to treat the sick person, ठीक है, अगर हमें इमरजेंसी हो, नाइट में भी इमरजेंसी हो, तो डॉक्टर क्या है हमारे घर आएंगे और सिक पर्सन की क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। We can also call the ambulance by dialing telephone number 102, और अगर आपको घर पे नहीं बुलाना है, हमें हॉस्पिटल ले जाना है पेशेंट्स को, तो हमें किस पे कॉल करनी है, 102 नंबर पे कॉल करनी है। मेडिकल मोबाइल वैन्स ऑल्सो विजिट अवर नेबरहुड, ठीक है, मेडिकल मोबाइल वैन्स मतलब जो वैन्स होती है वो भी क्या होते हैं हमारे घर के नजदीक क्या होते हैं कॉल करने से आ जाते हैं और वो विजिट भी करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्क। पार्क बच्चों सबने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं पार्क में इवनिंग टाइम में क्या करते हैं, खेलने जाते हैं। दिस इज अ पार्क, ये क्या है, एक पार्क है।
इन द इवनिंग चिल्ड्रन कम हियर टू प्ले. शाम के समय क्या होता है, बच्चे यहाँ खेलने आते हैं. देयर आर स्विंग्स, स्लाइड्स एंड मैनी अदर फैसिलिटीज. यहाँ पर क्या होता है, झूले होते हैं, स्लाइडिंग होता है और बहुत सी फैसिलिटी होती है. सम पीपल कम हियर टू टेक अ वॉक और डू योगा इन मॉर्निंग एंड इवनिंग. और कुछ लोग क्या है, यहाँ पर आते हैं, वॉक करते हैं, योगा करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज डॉक्टर्स क्लिनिक. जैसे कि आपको बताया था, डॉक्टर्स का क्या होता है, एक क्लिनिक होता है. वहां पर भी क्या होते हैं, वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं. जो नॉर्मल से पेशेंट होते हैं, जिनको जैसे फीवर आ गया या कुछ हल्का कोल्ड कफ हो, ठीक है. दिस इज अ डॉक्टर क्लिनिक. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ डॉक्टर्स इन द कम्युनिटी. द डॉक्टर्स ट्रीट अस व्हेन वी आर सिक एंड टेल अस व्हाट मेडिसिन टू टेक. मूवी थिएटर. This is a movie theater. We go with our parents to see children movies in the theater. Movie theater, जहां हम लोग क्या है, movies देखने, picture देखने जाते हैं. किसके साथ जाते हैं, अपने parents के साथ जाते हैं, ठीक है. Grocery and vegetable shop. This is a grocery and vegetable store. तो ये बच्चों, ग्रोसरी और वेजिटेबल शॉप होना भी, हमारे घर के नजदीक होना भी बहुत जरूरी है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोर बिकॉज ऑल प्रोविजंस फॉर द फैमिली आर बॉट फ्रॉम हियर. क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या है, घर की बहुत सी चीजें खरीदते हैं. द ग्रोसरी शॉप हैज अ डिलीवरी मैन हु डिलीवर्स वेरियस आइटम्स लाइक फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इन द नेबरहुड, ठीक है. ग्रोसरी शॉप क्या है, क्या डिलीवर करते हैं, वेरियस आइटम्स. वहाँ फ्रेश फ्रूट मिलते हैं हमें, वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक है. बहुत सी आइटम्स हमें क्या है, वहां पर मिलते हैं. नर्सरी स्कूल. दिस इज अ नर्सरी स्कूल. नर्सरी स्कूल हो बच्चों या कोई भी बड़ा स्कूल, हमारे घर के नजदीक स्कूल होना भी बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर स्कूल दूर होगा तो हम लोग क्या है, दूर जाने में हमें फैसिलिटी अगर नहीं प्रोवाइड होती है तो हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. तो इसलिए स्कूल का घर के नजदीक होना भी जरूरी है, ठीक है. सो चिल्ड्रन, वी लर्न दीज प्लेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर नेबरहुड. मार्केट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, बैंक, हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, स्कूल एंड पार्क. दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ आर नेबरहुड, ठीक है. ये सारी चीजें हमारे घर के नजदीक पे होनी चाहिए. सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. नाउ आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन आंसर. आंसर इन वन वर्ड, वी कीप आर मनी हेयर फॉर सेफ्टी. हम अपनी मनी कहाँ रखते हैं, बैंक में. दे हेल्प इन पुटिंग आउट अ फायर. आग बुझाने में कौन हेल्प करता है, फायर स्टेशन. वी पोस्ट आर लेटर्स इन दिस. हम अपने लेटर्स को कहाँ पोस्ट करते हैं, पोस्ट ऑफिस. मैनी शॉप्स टूगेदर फ्रॉम दिस, ठीक है. बहुत सी शॉप एक ही जगह पे होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट. क्वेश्चन नंबर टू, ट्रू एंड फॉल्स. द पुलिस कीप आर नेबरहुड सेफ. पुलिस क्या है, हमारे नेबरहुड को सेफ रखती है, इट मीन्स ट्रू. वी मस्ट कीप आर नेबरहुड क्लीन. हमें अपना नेबरहुड कैसे रखना चाहिए, क्लीन. ट्रू, मनी कैन नॉट बी कैप्ट इन अ बैंक. हमें मनी बैंक में नहीं रखना चाहिए. क्या है बच्चों, हमें मनी बैंक में नहीं रखना चाहिए, नो. इट्स अ रॉन्ग. फॉल्स, पुलिस हेल्प इन पुटिंग आउट अ फायर. क्या पुलिस हमारी आग बुझाने में हेल्प करती है, नो. इट्स अ फॉल्स. द प्लेसेस अराउंड आर होम्स मेक अवर नेबरहुड, ठीक है. जो हमारे क्या है, प्लेसेस जो हमारे आगे पीछे रहते हैं, तो वो हमारे वो क्या बनाते हैं, नेबरहुड बनाते हैं, ठीक है. तो उसे क्या कहते हैं, ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर. वी गो टू द पोस्ट ऑफिस टू बाय. क्या खरीदने जाते हैं हम पोस्ट ऑफिस में, एनवेलप. बैंक कीप्स इट सेफ फॉर अस. बैंक क्या सेफ रखता है, हमारा मनी. पुलिसमैन कैच. पुलिसमैन क्या पकड़ते हैं, थीव्स. क्या पकड़ती है पुलिसमैन, थीव्स. द पीपल लिविंग इन आर नेबरहुड आर कॉल्ड.
जो लोग क्या है हमारे नेबरहुड में रहते हैं, हमारे नजदीक रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्ग, कौन सा पेयर रॉन्ग है, ठीक है, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, फायर स्टेशन, फायर ब्रिगेड, बैंक और बुक्स। तो रॉन्ग कौन सा है बच्चों, बैंक एंड बुक्स, क्योंकि क्योंकि बैंक में क्या रखते हैं हम लोग, मनी, और बुक्स कहाँ होती है, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द करेक्ट वर्ड्स, वी बाय ब्रेड एंड बटर फ्रॉम अ, कहाँ से खरीदते हैं हम, हॉस्पिटल से, नो, कहाँ से, मार्केट। देयर आर मैनी पोस्टमैन डॉक्टर्स इन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन होते हैं, पोस्टमैन। आर डॉक्टर्स गिव्स अस मेडिसिन चॉइस, डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, मेडिसिन। अ पुलिस स्टेशन हैज मैनी शॉपकीपर्स, पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं, पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं या पुलिसमैन, तो क्या होते हैं, पुलिसमैन, ठीक है। तो बच्चों ये थे नेबरहुड प्लेसेस इन द नेबरहुड, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।